पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बहू और खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की पत्नी उर्मिता सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गई। जिला पंचायत के 17 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने उर्मिता सिंह के पक्ष में वोट डाले। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला की पत्नी सुषमा सिंह को 8 वोट मिले हैं। एक वोट से उर्मिता सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। जीत का प्रमाण पत्र लेकर भाजपा ने शहर में विजय जुलूस निकाला है। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान जिला पंचायत कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी पर चुनाव के दौरान सत्ता के दबाव में आकर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेता गौरव शर्मा का कहना है कि वोटिंग के दौरान एक महिला जिला पंचायत सदस्य के साथ उनके भाई को अंदर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी। कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन पर सत्ता के दबाव में आकर चुनाव कराने का आरोप लगाया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। गला दबाएंगे या मारेंगे, बताओ आप। बीच के बीच चुनावी प्रक्रिया प्रताप में है, मतलब हम लोग तो क्या सिक्योरिटी वाले हैं। रमन पस्तोर मोहिनी तिवारी भाई नहीं तो ये रमाशंकर तिवारी ये बताएं। ये बात आप जो उचित मंच है मैं वही कह रहा हूँ। बात तो करवा दूँ। अब मैं फिर से पटेल साहब को खबर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ खड़े भी होना चाहिए। पूरा आपने को नियम कायदे का पालन करना है। दो मिनट नहीं लगेंगे सर, सारे लोग चले जाएंगे। संतुष्टि तो हो जाए। तो आप यहाँ पे भरोसा नहीं होता। अभी मुझे खुद समझने दीजिए कि क्या है जिला पंचायत, क्या अधिकार है, मुझे खुद ही नहीं मालूम। मेरी ड्यूटी और राइट मुझे अभी नहीं मालूम। जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबको। किन किन को? सभी को, जनता को, सब है उसमें। आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सभी का भागीदार है। जीतने के बाद सब सबकी जीत होती है। नीता जी, आपकी पूरी चक्कर पूर्व मंत्री कैसा? मेरे लिए नॉर्मल है। मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हूँ, इसलिए मेरे लिए नॉर्मल है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।